10 जुलाई 2024 भारत में बुधवार है। टुडे इज 10th जुलाई 2024 एंड इट्स वेनसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली एक शब्द के ऊपर है और वो शब्द है पढ़ाई। पूरी मुरली पढ़ाई के ऊपर है। इंसान मरते दम तक स्टूडेंट रहता है। बाबा ने आज अच्छे स्टूडेंट के लक्षण बताए हैं। पढ़ाई के बारे में बाबा ने समय समय पर बहुत सारी साकार और अव्यक्त मुरलियों में बातें कही हुई है। आज के मुरली में एक वाक्य बार बार आ रहा है, सतो प्रधान आए थे सतो प्रधान जाना है। इसकी गहराई में हम जाएंगे। फिर बाबा ने कहा बहुत इम्पोर्टेंट बात कि आप आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, उसकी निशानी क्या है। देखो बाबा लक्षण बता रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं पीछे हट रहे हैं। तो अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो हल्केपन का अनुभव होगा। बाउंड्री मारिए, चार चार बातें बताइए, हल्के रहेंगे। छींची शरीर है, घर जाना है और दैवी गुण धारण करते जाएंगे अगर आगे बढ़ रहे हैं तो। अगर पीछे हट रहे हैं तो आसुरी अवगुण दिखाई देंगे, चलते फिरते बाप की याद नहीं रहेगी, फुल बन सबको सुख नहीं दे सकेंगे और साक्षात्कार करके सजा का अनुभव करेंगे। तो चेक करना है, बाबा ने चेक पॉइंट दिए हुए हैं। किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, इन बातों से पता चल जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि जैसे अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनके हाथ में किताब रहती है, ऐसे ही हमारे अंदर ज्ञान टपकता रहना चाहिए। जो बाबा ने ज्ञान दिया है अंदर टपकता रहना चाहिए। अगर हमको कहीं इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस में इनविटेशन देते हैं तो उनको अपना एम ऑब्जेक्ट बनाना है, उसकी लिखत होनी चाहिए और उनको भी उनका एम ऑब्जेक्ट पूछना चाहिए। ये ज्ञान देने का तरीका भी बाबा बता रहे हैं। और कैसे दुनिया आगे चलकर खाली हो जाएगी, ये एक बहुत अच्छी बात, ऐसा कोई सोचेगा नहीं, लेकिन बाबा ने ये बताया है कि आगे चल के दुनिया बहुत खाली हो जाएगी। जो इस समय 800 करोड़ के ऊपर पहुंच गए हैं, उस समय देखो कहाँ 800 करोड़, कहाँ 9 लाख, तो ये खाली हो जाएगी सब जगह पे। बाबा ने कहा फेमाइन फ्लड्स डिसीज, बहुत सारी बातें होगी। और बाबा ने जो निबंध दिया उसके ऊपर लिखना धारणा वाले बच्चों का काम है। भारत में बाबा ने कहा धन के पिछाड़ी काफी लोग आए और धन हम सब ने गवा दिया है, फिर से हमको उसको कमाना है तो उसके लिए सत्यता की शक्ति चाहिए। सच तो बीठो नच, ऐसे सिंधी में कहावत है। तो सत्यता की महानता के बारे में आज बाबा ने, सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा ने बताया है। बहुत सुंदर है बाबा के महावाक्य, जो सत्य होगा सत्यता की शक्ति को धारण करेगा वो महान आत्मा होगा। और श्रेष्ठ अभ्यास बाबा ने करने को कहा है कि व्यस्त मन बुद्धि को सेकेंड में स्टॉप करना। इस अभ्यास के बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो आज की साकार मुरली की शुरुआत करते हैं।
लौकिक में कहावत है कि नंगे आए थे नंगे जाना है ना। ये लौकिक की कहावत है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि दुनिया वाले कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। ये कहावत दुनिया वालों के लिए है, लेकिन बाबा के बच्चों के लिए ये कहावत नहीं है। बाबा ने कई बार कई मुरलियों में ये सब बिलीफ सिस्टम के ऊपर बात की है। ये बिलीफ सिस्टम अज्ञानता के वजह से है। जैसे आज के मुरली में आया है कि 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो बाबा ने आज कहा है भक्ति मार्ग माना अज्ञान है। अज्ञान क्यों है? क्योंकि समय का पता ही नहीं है, इसलिए अज्ञानता का कहा हुआ है। बेचारे भगवान को याद करते हैं, लेकिन पता ही नहीं कि उससे प्राप्ति क्या होती है। वो तो मोक्ष की बात करते हैं, लेकिन अज्ञानता में इसलिए बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया। ऐसे ही नंगे आए थे नंगे जाना, या खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। बाबा ने स्पष्ट बताया आज के मुरली में कि सतो प्रधान आए थे सतो प्रधान जाना है। बहुत सुंदर लगा मुझे ये वाक्य। जब आए थे हम पहली बार इस धरती पर तो संपूर्ण सतो प्रधान थे, और जब जाएंगे तभी भी संपूर्ण सतो प्रधान बनकर जाएंगे। बाबा ने वो दूसरी मुरली में कहा था कि जब आए थे तो भरपूर होकर आए थे, और जाएंगे भी भरपूर होकर जाएंगे। तो खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ये हमको लागू नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे पास 84 जन्मों का सीढ़ी का नॉलेज है। इसलिए बाबा की इन बातों के ऊपर अभ्यास करेंगे कि मैं सतो प्रधान आई थी और मुझे सतो प्रधान बनकर जाना है। जिसकी बुद्धि जितनी स्वच्छ होगी, स्मृति शक्तिशाली होगी, उसको ये फीलिंग आएगी स्पष्ट रूप से कि मैं सतो प्रधान आई थी और मुझे सतो प्रधान बन के ही जाना है। चलते चलते एक बात ऑटोमेटिकली होती है, ये धर्मराजपुरी का अकाउंट है। बाबा ने कितने बार मुरली में कहा हुआ है कि ये सब बातें ऑटोमेटिक होती है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि स्पष्ट पता चल जाएगा कौन क्या बनने वाला है। राजा जो होगी आत्मा वो स्पष्ट दिखाई देगी, वो अपने कर्मों से पहचानी जाएगी। राजा रॉयल फैमिली माना राजा के परिवार में आने वाले, उनको भी जैसे बाबा ने कहा सभी नंबर 1 नहीं आएंगे लेकिन फर्स्ट क्लास में आएंगे। तो ये रॉयल फैमिली वाले वो भी प्रत्यक्ष होंगे। हर एक राजा को ये पता चलेगा कि उसकी रॉयल फैमिली कौन सी है। फिर साहूकार कौन होंगे वो भी प्रत्यक्ष होते जाएगा, और प्रजा की आत्माएं भी प्रत्यक्ष होंगी, चांडाल भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। माना ये कभी छिप नहीं सकते हैं, अवस्था ही व्यक्ति को प्रत्यक्ष करती है। तो कैसे पता चले हम आगे बढ़ रहे हैं? तो एक हॉलमार्क जो बाबा ने कई मुरलियों में कहा, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, लाइट मतलब हल्का, लाइट मतलब प्रकाश। यह अभ्यास मुझे बहुत सुख देता है। अभी बहुत ट्रैवलिंग होता है, बहुत सारी बातें आती है, लोग कंटिन्यूअसली काउंसलिंग के लिए फ़ोन करते रहते हैं। तो अभी एक अभ्यास जो हमने ड्रामा प्लान अनुसार सीख लिया कि डिटैच होना बहुत ज़रूरी है। डिटैच होना वैसे भी डॉक्टर्स को एक स्किल सिखाई जाती है कि हम पेशेंट के दुख को फील करते हैं लेकिन उसका असर हमारे ऊपर आने नहीं देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहेंगे हम। जब विहासा का एक्सरसाइज लेते हैं उसमें कंपैशन दया करुणा के ऊपर जब बोलते हैं तो ये दो शब्द आते हैं, सिंपति और एम्पति। अभी लोग सिंपति को महत्वपूर्ण मानते, पर सिंपति का अर्थ है पैथी माना फील करना, सिम माना सिमिलर फील करना। अगर कोई दुख में रो रहा है तो आप भी रो रहे हैं, उसको सिंपति कहते। फायदा क्या हुआ? पहला एक व्यक्ति रो रहा था, अभी दो व्यक्ति रो रहे हैं। सिंपति से ज्यादा लोग एम्पति को मानते हैं। एम्पति में आप उसके इमोशंस को फील करके उसको एम्पावर कर रहे हैं, माना उसको शक्ति दे रहे हैं। तो ये शक्ति देना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर्स,
पेशेंट के दर्द को फील करके उसको एम्पावर करते हैं, पर उसमें अटैच नहीं होते। अगर अटैच हो गए तो इलाज नहीं कर पाएंगे। मुझे याद आ रहा है, मेरा पीडियाट्रिक बच्चों के वार्ड में पोस्टिंग था, तो कई लोग बच्चों का दर्द देख नहीं पाते। उनके हाथ में जब आईवी लगाते हैं, नाक में नली डालते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन डॉक्टर उसमें डिटैच होता है, उसको बिल्कुल फील नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है अगर ये नहीं करेंगे तो ये बच्चा मर जाएगा। लेकिन उनके घर वाले रिश्तेदार वो देख नहीं पाते हैं, तो उनको हमको वहाँ से भगाना पड़ता है। और बच्चों की आईवी लाइन कभी कभी मिलती नहीं है, तो और कई जगह पे क्या क्या होता है, वो हाथ को हिलाता रहता है, तो घर वाले ये सब देख नहीं पाते हैं, क्योंकि बच्चों में मोह होता है। लेकिन डॉक्टर अपना काम करता रहता है। यहाँ पर शिव बाबा यही बात कह रहा है कि बच्चे ये सब बातें आएगी, आपको साक्षी हो जाना है। तो मैं देखता हूँ, जैसे ही मैं साक्षी हो जाता हूँ, मैं हल्का हो जाता हूँ। हमारे दुख का कारण ये है, इन्वॉल्व हो जाते हैं हम। और कई लोगों को क्या पता नहीं क्या सुख मिलता है, हर छोटी छोटी बात को बड़ा करते रहते हैं। वो बात हो गई, उसको 10 दिन 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक उसको याद करके अपने आप को दुखी करते रहते हैं। छोड़ देना चाहिए, कुछ भी साथ में नहीं आने वाला है। तो अपने आप को हल्का रखना, मेरा कहने का भाव था हल्का रखना, ये कला है। और कुछ लोगों को ये कला बहुत अच्छी तरह से आती है, और कुछ लोगों को ये कला नहीं आती है। हल्का रहना, बातें तो आए कि लोग दुनिया में कहते, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कहते तो रहेंगे लोग, आप कुछ भी करो, करो तो भी बोलेंगे, नहीं करो तो भी बोलेंगे। तो ये दुनिया का स्वभाव है, सब कुछ आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि हमको पता है ये अंतिम जन्म है। हमने 63 जन्म में बहुत सारे कर्म किए, बहुत सारे हिसाब किताब क्रिएट किए, तो बातें तो आएगी, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जितना हमारा ज्ञान योग की पढ़ाई अच्छी रहेगी, उतना हम बातों से फारिक रहेंगे और हल्के रहेंगे। और ये स्पष्ट अनुभव रहेगा कि ये छीछी शरीर है, पतित शरीर है, इसको छोड़ना है। कई लोगों का अपने शरीर में भी मोह जाता है, बहुत सजाते रहते हैं अपने शरीर को। अभी शरीर को ट्रस्टी बन के संभालना अलग है, और सजाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। शरीर को संभालना है, कई लोग शरीर से परेशान भी हो जाते हैं। जब बहुत बीमार होते हैं तो शरीर से परेशान हो जाते हैं, और फिर बाबा को कहते हैं शरीर छूट जाए तो अच्छा। तो बाबा ने दोनों तरफ से बातें बताई है कि ये शरीर की बलियारी है, बाबा ने कहा, क्योंकि इसी शरीर में भगवान मिलता है। तो इस शरीर का ध्यान रखना अलग बात है, और शरीर में फंसना अलग बात है। ध्यान जरूर रखना है, लेकिन फंसना नहीं है। तो शरीर छीछी है, इसको छोड़ना है। जब बाबा ये कहता है तो उसका भाव है कि शरीर में बुद्धि नहीं जानी चाहिए, न अपने न किसी और के। अब घर जाना है, जब ये भाव रहेगा तो ज्वाला रूप अवस्था रहेगी, और दैवी गुण धारण होते जाएंगे। अभी दैवी गुण ऑटोमेटिकली आते हैं। कैसे आते हैं? जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, इंट्यूटिवली, माना आपको अंदर से महसूस होगा कि चुप रहने में ही सुख है। तो आप जब अंतर्मुखी होते हैं, तो अंतर्मुखी सदा सुखी होता है, उसको अपनी और दूसरों की गलतियां स्पष्ट दिखाई देती है। हमारा एक स्लोगन बहुत फेमस हुआ है, बहुत सेंटर पर ये स्लोगन लगा हुआ है कि आप कम बोलेंगे तो दूसरे आपको ध्यान से सुनेंगे। आप विजुअलाइज करो, कई लोग बहुत बातें करते रहते, बोलते ही रहते हैं, तो लोग उनको अवॉइड करना चालू करेंगे, और जो कम बोलते हैं उनको रिगार्ड रिस्पेक्ट भी उतना मिलता है, क्योंकि वो जो जरूरी है वही बोलेगा। बाबा ने कहा जा 2 शब्द बोलने, वहाँ 10 वाक्य नहीं बोलना चाहिए, इसकी भी इकोनॉमी करना है। तो ये अनुभव से आता है कि जैसे आप चुप होने लगेंगे, आपके अंदर बहुत सारे गुण आने लगेंगे। जितना जितना आप आगे बढ़ेंगे, आपको साइलेंस का महत्व रियलाइज होने लगेगा। साइलेंस का जो अनुभव करेगा, उसको आवाज में आने का दिल ही नहीं करेगा, ये भी अनुभव है, पर प्राप्ति होती नहीं है। इसलिए
इसलिए आवास में आना पड़ता है। तो दैवी गुण धारण होते जाएंगे, ये चारों ही बातें चेक करना है। हल्कापन, घर जाना है, शरीर छीछी है इसको छोड़ना है, दैवी गुण धारण, ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। हमने बहुत बार देखा है दिव्य गुणों में यूनिटी है तो आसुरी गुणों में भी यूनिटी है। अभी पीछे हट रहे तो आसुरी गुण बाबा ने कहा, मुझे पता नहीं इसको गुण क्यों कहा गया है, शायद बाबा कुछ कहना चाहता हो हम नहीं समझे, तो हम इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि आसुरी गुण क्यों कहते हैं। गुण अच्छा होता है, आसुरी अवगुण होना चाहिए। मेरे मुख से आसुरी अवगुण ही निकलता है पर आसुरी गुण नहीं निकलता है। शायद ऐसा हो सकता है जैसे कुछ लोग क्रोध को शस्त्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और ये एक मान्यता बहुत लोगों में है कि जब तक हम गुस्सा नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होता है। माना बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, वर्कर्स काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं होता है जब तक गुस्सा नहीं करते हैं। तो इसीलिए अभी गुस्सा करना ये अवगुण है, लेकिन यहाँ पर वो गुण का रूप दिखाई देता है। इसके ऊपर भक्ति मार्ग में भी ये सतो रजतमो का जो चैप्टर है श्रीमद् भगवद गीता में, उसमें गुणत्रय विभाग योग ये जो चैप्टर है उसमें ये सत्व रज और तम ये तीनों गुणों का वर्णन है। तो वो कहते हैं रजोगुण भी जरूरी है। जैसे अभी एक डिबेट चल रहा है भारत में कि अहिंसा या हिंसा, तो अहिंसा परमो धर्म ये पहला वाक्य है, और दूसरा वाक्य वो कहते कि जहाँ जरूरी है वहाँ हिंसा करना चाहिए। तो ये एक मान्यता है, बिलीफ है, इसमें मैं राइट और रॉन्ग में नहीं जा रहा हूँ। हर एक को निर्णय लेना है अपना कि मुझे क्या करना है, लेकिन इसीलिए शायद इसको आसुरी गुण कहा गया हो कि समय आने पर हिंसा करना ही चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं देवताओं में कोई भी हिंसा नहीं होती है, उनकी डिग्री है डबल हिंसक, न काम कटारी। अभी काम कटारी को भी ये लोग अच्छा समझते हैं, पति पत्नी के बीच में प्यार बना रहता है इसके वजह से, और अगर ये शारीरिक संबंध नहीं रखते तो कहते प्यार नहीं रहता है। तो ये सब कलयुग है, कलयुग में अवगुण को भी गुण समझते हैं लोग। तो हमको तो बाबा के श्रीमत पर चलना है। हमको बाबा कहते हैं कि मन वचन कर्म से भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। तो ये आसुरी अवगुण हमारे अंदर नहीं होने चाहिए, लेकिन बाबा कह रहे हैं पीछे हट रहे हैं तो ये दूसरों को दिखाई देंगे। पिछले कई दिनों से बाबा क्रोध के ऊपर लगातार बोल रहा है, महाक्रोध और सूक्ष्म क्रोध। सूक्ष्म क्रोध माना कड़वाहट, कड़वाहट रहती है एक दूसरे के प्रति, रूप में आ जाते हैं और जोर से बातें करेंगे, ये भी अवगुणी है, इससे बहुत डिसर्विस होती है। दूसरा है चलते फिरते बाप की याद में नहीं रहेंगे। एक मुरली में बाबा ने कहा था बच्चे कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं सोल कॉन्शियस होने के बजाय। तो काम करते समय जैसे भोजन करते समय शुरुआत में बाबा को दृष्टि दे के भोजन करते हैं और फिर याद चली जाती है बाबा की, ऐसे ही कर्म करते समय आप दुकान पे बैठे, ऑफिस में बैठे, घर का काम कर रहे हैं तो चलते फिरते बाबा की याद नहीं रहेगी। बाबा ने कहा इसका मतलब आप पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उस समय आप बॉडी कॉन्शियसनेस में है, सोल कॉन्शियस नहीं है। फूल बनकर सबको सुख नहीं दे सकेंगे, ऐसी आत्माएं जो पीछे हट रहे हैं उनके द्वारा लोगों को दुख मिलेगा, वो सुख नहीं दे पाएंगे। दुख काटे देते, काटे माना वो चुभने वाले कर्म करेंगे, उनके द्वारा ऐसे बोल निकलेंगे जो चुभेंगे लोगों को, उनके सभी कर्म दूसरों को दुख देने वाले होंगे, वो सुख नहीं दे सकेंगे। ऐसे बच्चे जो दूसरों को दुख देते हैं, आसुरी अवगुण दिखाते हैं, बाबा ने कहा आगे चलकर उनको साक्षात्कार होगा, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। आपने नोटिस किया होगा एक मुरली का महावाक्य मैं कई बार बोलते रहता हूँ, ये बहुत जरूरी है मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि हमने कुछ ऐसे बिलीफ बना लिए है जिसके वजह से हम अपने आप को कमजोर कर देते हैं। कौन सी बिलीफ या मान्यता है कि अभी तो हम पुरुषार्थी है, संपूर्ण थोड़ी बने हैं, नंबर वन। नंबर टू, इतना तो चलता है
ये इतना तो चलता है, ये जो थॉट है ना, ये हमको परफेक्शन से नीचे लेके आता है, हमको मार्जिन देता है कि हम इतना तो चलता है, ये इतना तो चलता है का विस्तार बहुत बड़ा है। इसके वजह से क्या होता है कि हम 16 कला संपूर्ण से नीचे आने लगते हैं, जबकि भगवद गीता कहती है योग कर्म सुकौशलम, तो इतना तो चलता है कहाँ से आया? बिल्कुल नहीं चलता है, ये तो हमने अपने आप को चलाने की मार्जिन दे दी है। तो बहानेबाजी नहीं करना है, इतना तो चलता नहीं करना है, क्योंकि आगे पश्चाताप करना पड़ेगा। तीसरा, बाबा ने मुरली में कहा था, कुछ बच्चे कहते हैं अभी तो मौज कर लो, बाद में जो होगा देखा जाएगा, ये भी माया की एंट्री है। प्लीज अंडरस्टैंड माया कैसे प्रवेश करती है, ये तीव्र पुरुषार्थी से साधारण पुरुषार्थ बनाने की बात है। अभी तो मौज कर लो का क्या मतलब है? मौज जरूर करना है, लेकिन श्रीमत छोड़ के मौज नहीं करना है। कहीं पर भी मन वचन कर्म से श्रीमत को वायलेट करके आप अगर मौज करने जाओगे तो दुख का ही अनुभव होगा, इसलिए अभी तो मौज कर लो। ये तीनों बातें बहुत अटेंशन रखना है, अपने को आत्मा समझना है और निरंतर बाप को याद करने का अभ्यास करना है। ये अभ्यास शब्द कई बार आया हुआ है, भक्ति मार्ग में भी आया हुआ है, हमने देखा श्रीमद् भगवद गीता स्टडी ग्रुप, कई लोग फिर से अभी इसको सुन रहे हैं। छठे अध्याय में अर्जुन पूछता है कि चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथिनी बलवत दृढ़म, माना मेरा मन चंचल है, परमात्मा इसको कंट्रोल करना माना वायु को कंट्रोल करने के बराबर है। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथिनी बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायो वायोरिव सुदुष्करम, माना इसको कंट्रोल करना वायु को कंट्रोल करने के बराबर है। और 35वां श्लोक है, 35वां वर्स, भगवान उवाच है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ये अभ्यासेन च तु कौन्तेय, माना अभ्यास कर बच्चे, अभ्यास कर। और बाबा ने ये तीन शब्द हमको दिए हुए अव्यक्त मुरलियों में, उसमें का एक है बहुत काल का अभ्यास, अचानक एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास, तो अभ्यास करना है। बाबा ने कहा था कई बच्चे व्यास बन गए, व्यास माना जो शास्त्र लिखते हैं, व्यास माना जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाबा ने कहा व्यास बन गए लेकिन अभ्यास नहीं करते। अभ्यास के बगैर संस्कार नहीं बनेगा, बाबा के भाव को समझना है। जब ये मुरली में आया है आज, निरंतर बाप को याद करने का अभ्यास करो, उन्नति का ख्याल रखो, ये तभी होगा जब निरंतर अटेंशन रहेगा कर्म के ऊपर। इसी को ही कहते हैं योग या याद। योग शब्द तो बाबा ने कहा हठ योगी का है, निरंतर याद रखना है बाबा के श्रीमत को अपने बुद्धि में, क्योंकि योग बोलते हैं आसन प्राणायाम ये सब आ जाते हैं, तो निरंतर याद रखना है श्रीमत को। मन और बुद्धि परम धाम में लटकी हुई रहनी चाहिए और यही अभ्यास करते रहेंगे, क्योंकि आज बाबा ने ये बहुत बार कहा है, उठते बैठते चलते फिरते, ये बाबा कह रहा है आज के मुरली में, उठते बैठते चलते फिरते। जैसे सतयुग की कॉन्शियसनेस है, ये सतयुग में देवताओं को याद नहीं करना पड़ता है कि मैं आत्मा हूं, तो वहां पे सतो प्रधान कॉन्शियसनेस चेतना में होंगे। आज बाबा ने यही कहा है, उठते बैठते चलते फिरते सतो प्रधान आए थे, सतो प्रधान जाना है, इसका अभ्यास करना है। सेकंड में देहाभिमान और सेकंड में देही अभिमान है, अभी दोनों बातें आज की मुरली में बाबा ने कहे। कुछ बच्चे सेकंड में बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, किसी ने कुछ बोला तुरंत रिएक्ट कर देंगे, तो ये सेकंड में देह अभिमान में गुस्सा आता है और सेकंड में देही अभिमानी बन जाते हैं। तो हमको ये अभ्यास करना चाहिए कि आत्मा के सातों ही गुण कंटिन्यूअसली इमर्ज रहे, अकेले में और लोगों के संबंध संपर्क में आते हैं, तो इसी को पढ़ाई कहते हैं, पढ़ाई और कुछ नहीं। जैसे आज बाबा ने कहा अच्छे स्टूडेंट के हाथ में किताब होती है, वो पढ़ते रहते हैं, ऐसे हमारे मन और बुद्धि में ये बाबा का ज्ञान टपकते रहना चाहिए, टपकते रहना चाहिए। जितना इसके ऊपर हमारा मनन चिंतन होगा उतना ये ज्ञान टपकते रहेगा।
जैसे धंधे वाला धंधे में लगा रहता है। मैंने देखा है कई बिजनेसमैन बहुत पक्के रहते हैं, कंटिन्यूअसली वो प्रॉफिट के बारे में सोचते रहते हैं। बिजनेस माना प्रॉफिट और लॉस, फायदा और नुकसान। अभी वो हद के विनाशी धन के पीछे इतनी एनर्जी लगाते हैं, तो ये अविनाशी जो पूरे कल्प के लिए हमको कमाई हो रही है, तो कितना एनर्जी हमको लगाना चाहिए। बाबा ने बहुत बार कहा, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। आज की मुरली में आया, सारा मदार पढ़ाई पर है, पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। अभी देखो, एक ही पढ़ाई है, माना एक ही मुरली है, लेकिन कोई एक मुरली से राजा बन जाता है, कोई इस मुरली से प्रजा बन जाता है। देने वाला तो सबको एक जैसा दे रहा है, लेकिन लेने में नंबर बन जाते हैं। तो सारा मदार पढ़ाई के ऊपर है। अभी देखो, भक्ति मार्ग को भी बाबा ने याद किया कि उनको शास्त्रार्थ का भी अहंकार है। वो शास्त्रार्थ करके शास्त्रों की अथॉरिटी खुद को समझते हैं, तो बाबा ने कहा वास्तव में वो है पुजारी। अथॉरिटी को तो पूज्य कहेंगे, वो हो नहीं सकता है, क्योंकि पतित दुनिया है तो तत्व तमो प्रधान है। भले आत्मा पवित्र रहती है, लेकिन शरीर तो तमो प्रधान है। ये दुख की दुनिया है। ये बाबा क्यों कह रहा है? क्योंकि इसमें बुद्धि नहीं जाए। कई लोगों को इधर ही स्वर्ग लगता है। हो सकता है बाबा के बच्चे भी ऐसा महसूस करें। कहने का भाव है कि ये दुनिया है दुख की, फैमाइन है, यहाँ सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है। जैसे अभी भारत में कई जगह पे बाढ़ आई है, बीमारी आए, मच्छर भी काटते हैं। तो बाबा ने कहा ये भी तो दुख है, मच्छर काटना। तो हमको इस दुख दाम में बुद्धि को लगाना नहीं है। बाबा ने जो निबंध दिया है उसके ऊपर चिंतन करना है। कितने अच्छे प्रश्न बाबा पूछता है कि कोई मरता है तो कहते स्वर्ग पधारा, तो उनको पूछना चाहिए इसका मतलब था कहाँ, और सच्चा स्वर्ग क्या है, जिसे आप स्वर्ग समझते हो क्या वो स्वर्ग है। और एक दिन ऐसा आएगा जो ये दुनिया बहुत खाली हो जाएगी, सिर्फ भारत ही रहेगा। अब ये चिंतन क्या वाक्य है? क्या ऐसा होगा कि न्यूक्लियर वॉर से बाकी के विदेश के सभी लोग खत्म हो जाएंगे? बाबा ने कहा था सभी जाते नहीं, थोड़े बचते हैं, लेकिन लास्ट में उनको भी तो जाना पड़ेगा। तो ये चिंतन का विषय है, ग्रे एरिया है, जिसको बाबा ने आज टच किया है कि दुनिया बहुत खाली हो जाएगी। अभी ये सतयुग की बात कह रहा है या विनाश के बाद वाली बात कह रहा है, तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। बाबा ने कहा जैसे कोर्ट में चोरों के ऊपर केस चलता है, वैसे ही बच्चों को लास्ट में साक्षात्कार होगा कि इस कर्म की ये सजा है। तो पिछाड़ी में नहीं रहना है, अपने उन्नति का ख्याल करना है। हमने अपना सभी धन गवा दिया, अंग्रेज मुसलमान कितने लोग आए, स्पेनिश आए, कितने लोग भारत में लूट के गए, क्योंकि इनको पता चला भारत में बहुत धन है। तो अपनी शक्ति को वापिस प्राप्त करना है हमको, विशेष भगवान को, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, उसको सत्यता की शक्ति बहुत पसंद है। कल की मुरली में था सच, बाप को सब कुछ सच सच सुनाना है। आज बाबा ने कहा सत्यता इतनी महान है कि अगर सत्यता की शक्ति होगी तो सदा नाचता रहेगा, कभी भी मुरझाएगा नहीं। देखो चार बातें बाबा ने बताई है, मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, और कमजोर नहीं होगा। अभी चेक करो, क्या मैं मुरझाता हूँ, क्या मैं उलझा हुआ रहता हूँ, क्या मैं घबराता हूँ, क्या मैं कमजोर होता हूँ? इसका मतलब मेरे अंदर सत्यता की शक्ति नहीं है। रिट्रोस्पेक्टिवली चेक करना है। अगर मैं मुरझाता हूँ मतलब सत्यता की शक्ति नहीं, उलझा हुआ रहता हूँ, कंफ्यूज होता हूँ मतलब सत्यता की शक्ति से दूर गया, घबराता हूँ तो भी सत्यता की शक्ति नहीं, कमजोर फील करता हूँ तो भी सत्यता की नहीं है। अभी सत्यता की शक्ति क्या है? तो बाबा ने मुरली में कहा था कि स्वयं को सत्य स्वरूप जानना मानना और चलना, परमात्मा जो है उसको सत्य स्वरूप में जानना मानना और चलना, जिसको बाबा कहते हैं बहुत कम बच्चे मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे पहचान पाते हैं, और ड्रामा जो है जैसा है उसको जानना मानना और उसके ऊपर चलना। तो सत्यता बहुत बहुत सूक्ष्म है, इसके गहराई में जाना है। सत्यता माना केवल सत्य बोलना नहीं है, सत्य बोलना तो उसका एक हिस्सा है। बाबा ने कहा जो सत्यता की शक्ति वाला होगा उसमें सामना करने की शक्ति होगी, कभी हिलेगा नहीं, अचल होगी उसकी नाव,
सत्यता की नाव डोलती है लेकिन डूबती कभी भी नहीं है। सत्यता को शक्ति धारण करने वाले साधारण आत्मा हो ही नहीं सकते। ऐसे जो सत्यता की शक्ति धारण करते हैं वो परेशान हो सकते हैं लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकते। और ऐसी आत्माएं सेकंड में व्यस्त मन बुद्धि को स्टॉप कर लेते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ अभ्यास बाबा ने कहा जो हमको करना है बीच बीच में, आज की पूरी मुरली में टेक होम, अपनी उन्नति का ख्याल करना है। मैं बाबा के पास आने के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ या पीछे हट रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ तो हल्कापन, पूरा आज का दिन हल्का रहेंगे, दिव्य गुणों को धारण करेंगे, वैराग्य रहेगा, शरीर को छोड़ना है, घर जाना है, किसी को दुख नहीं देंगे क्योंकि दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। अंदर में ज्ञान टपकते रहना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते याद करना है मैं भरपूर होकर आई थी भरपूर होकर जाऊंगी, सतो प्रधान आई थी सतो प्रधान जाऊंगी। सत्यता की शक्ति को धारण करना है तो हमेशा नाचते रहेंगे, सत्य बाप के साथ सत्य रहेंगे। और कितना भी व्यस्त हो मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप करने का श्रेष्ठ अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति।